प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1B करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। सबसे पहले क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपने अपनी रफ कॉपी पास रखनी है, ताकि आप उस पर सॉल्व करते जाए और आपको जैसे ही आंसर आपका फाइंड आउट हो जाए और आप उसको यहाँ पे पुट करते जाए। ओके, अब देखते हैं पार्ट ए को, जिसमें लिखा हुआ है 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने इसको इकट्ठा करके लिख देना है फिलअप में, जिसमें 10,000 में ऐड जब 6,000 करेंगे और फिर 900 करेंगे देन 5, तो हमारे पास 16905 यानी 16,905 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें उन्होंने आपसे कहा है 12,500 में से कौन सा नंबर माइनस करने से 5600 आएगा। आपकी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, रफ वर्क में साइड पे, मैंने बुक पर सॉल्व किया है, आप इसे रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं। फिर 12,500 में से जब हमने 5600 को माइनस किया तो हमारे पास 6900 रिमेनिंग बचा। इसका मतलब 12,500 में से जब हमने 6900 माइनस किया तो हमारे पास 5600 रिमेनिंग हो गया। अब हम पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। 100 मोर देन 99,990 इक्वल्स टू डैश, इसका मतलब ये है कि 99,990 में जब 100 को ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रफ किया हुआ है, इसको ऐड करने से मेरे पास 1,90,000 आंसर आ रहा है और मैंने यहाँ पर उसको पुट कर दिया है। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है डैश मस्ट बी एडेड टू 100050 टू मेक 102550। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लास्ट वैल्यू आपको गिवन की हुई है और जो फर्स्ट वैल्यू गिवन की है, आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू को ऊपर रखना है, फर्स्ट वैल्यू को नीचे रखकर माइनस करना है। जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमारा 2500 आएगा। मींस दैट उन्होंने ये कहा, ये इस वैल्यू को दिया है और इस वैल्यू को इससे बढ़ाकर बताया है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेकंड वैल्यू में कितने नंबर ज्यादा है और वो आपको यहाँ पे पुट करने हैं, और आपके 2500 ज्यादा थे तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम पार्ट ई की तरफ आते हैं। पार्ट ई में उन्होंने कहा है 49,396 माइनस डैश इज इक्वल 10,086। ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम बी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। अब हमने क्या करना है, 49,396 में से जब हम 10,086 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39,310 आएगा, उसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर देना है। इसका मतलब ये है कि 49,396 में से माइनस हमने 39,310 किया तो हमारे पास आंसर आया 10,8600। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।